कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे। यहाँ पर सुबह मैंने नहा धोकर तुलसी जी पर जल चढ़ा लिया है और उसके बाद सूर्य देवता पर भी जल चढ़ा रही हूँ। आज सोमवार की अमावस्या है तो घर पर बनी है खीर, तो यहाँ पर मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चावल को अच्छे से धो के यहाँ पर मैंने दूध को चढ़ा लिया है और थोड़ी देर पर यहाँ पर मेरा दूध उबल गया है तो उसमें मैं डाल ली हूँ चावल और थोड़ी देर में यहाँ पर खीर बनके एकदम तैयार हो गई है। आधा घंटा लगा मेरे को पूरा खीर बनाने में। उसके बाद मैंने मंदिर पर जोत जलाई और पूजा आरती की और भगवान जी को भोग लगाया खीर का। यहाँ पर सुबह सुबह खीर पूरी केला इस तरह यहाँ पर भगवान जी को भोग लग गया है और उसके बाद मेरी बेटी गाय को यहाँ पे खाना देने चली गई है। यहाँ पर मैं दे रही हूँ। यहाँ पर हमारे आसपास में हैं कुत्ते तो उनको ही मैं यहाँ पर दे रही हूँ पूरी खीर। तो ये इसके साथ उसके बच्चे भी हैं और ये हमारी प्यारी सी बिल्ली जो घर पर आती रहती है उसको भी मैंने यहाँ पर दूध दे दिया है। और उसके बाद मैं निकल गई मार्केट की तरफ। तो ये त्रिपुरा का मार्केट है। जाते समय रास्ते का बांस टीन इसी तरह के घर यहाँ पर होते हैं। टीन के घर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। आज मैं गई थी नवरात्रि का सामान लेने तो यहाँ पर मैं लाई हूँ माता के वस्त्र। तो ये दो जोड़ी छोटे हैं और एक ये माता के लिए वस्त्र मैं लेके आई हूँ। लहंगा चोली और चुनरी दो प्रकार की यहाँ पर चुनरी लेके आई हूँ। ये है घर के मंदिर के लिए माला और भी कुछ सामान इसमें है। ये है लकड़ी का जो सिंदूरदान होता है और बाहर से पेंटिंग किया हुआ है। और एक दिया मैं लेके आई हूँ पीतल का और पीतल की ही थाली लेके आई हूँ। आने वाली नवरात्र की आप सभी को शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की कामनाएं पूरी करे। इसी प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।